बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे EPS टॉपिक चैप्टर नंबर 36। फावल चावल मोगनन बूंदे खाने के बाद ई ये यागल दवाई प्रिस्टियो लीजिए। चावल खाने के बाद ये दवाई दीजिए खाइए। दोस्तों, हमारा मकसद होगा कि हम आपको हर लफ्ज़ की उर्दू बताएं, उर्दू में उसका मतलब बताएं और साथ ही ये बताएं इस जुमले में कौन सी ग्रामर इस्तेमाल हो रही है और ये ग्रामर किस चीज़ को ज़ाहर करती है और ये ग्रामर कब इस्तेमाल करनी है और ये ग्रामर किस लफ्ज़ के साथ, कौन सी ग्रामर किस लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होगी और कौन सी ग्रामर इस जुमले में क्या किरदार अदा कर रही है, मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताएँ। अगर फिर भी हमसे कोई चीज़ रह जाए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। फावल चावल, आगे फप चावल को कहते हैं। अल जो है ये सब्जेक्ट मार्क है, सब्जेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई काम किया जाए। जैसे चावल हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट है, अल जो है ये ग्रामर है, ये सब्जेक्ट के साथ लगती है। ये ग्रामर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, अल और डाल। जैसे कि इसका एक हिस्सा है अल, उसका दूसरा हिस्सा है रल। किसी जगह अल इस्तेमाल होगा और किसी जगह रल इस्तेमाल होगा, ये बहुत ही आसान है। अगर हमारा लफ्ज़ कॉन्सनेंट पे ख़त्म होगा तो हम अल इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारा लफ्ज़ वॉवल पे ख़त्म होगा तो हम रल इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मोगनन हुए, अन हुए ये भी ग्रामर है, ये इसी चैप्टर में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताई जाएगी आगे। ठीक है, आगे यहाँ से शुरू करते हैं। अक्सर सीखना मुख्य मकसद है, सुन सो हुक्म मल हाजी बात, खमजी हाजी मना है। मुनोब कहते हैं ग्रामर को, अल नियम हुए इसका मतलब है बाद में, ये ग्रामर है इस चैप्टर में। और जी मासियो मत कीजिए, ये भी ग्रामर है, जी मासियो मत कीजिए, ये भी इस चैप्टर में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताई जाएगी। ओ भी वोकैबुलरी लफ्ज़ है इसमें, शिन छे जिस्म के हिस्सों के नाम, छान सब सिम्पटम अलामत बीमारियों की जो अलामत होती हैं उसको कहते हैं, चुंक मालवान मुनवा कल्चर तरीकेकार, खाजो की संध्या फर्स्ट एड मेडिसिन जो सबसे पहले दवाइयाँ दी जाती हैं, थीवा डायलर। यक्षा, यक्षा कहते हैं फार्मासिस्ट को, मेडिकल स्टोर पे जो मेडिसिन फरोख्त करते हैं उसको कहते हैं यक्षा फार्मासिस्ट। कह रहा है ओ तो के कैसे कोशिश हो, कैसे आए हो फार। कह रहे मोरी का सर में अप्पा सो दर्द की वजह से बस हो आया हो यक्षा फार्मासिस्ट। पूंजे गाँव पौधों से, पूंजे पौधों कब से, अप्पा सुस्त हो कब से तकलीफ है फार। पूजे कल रात, कल फाम रात उजित, फाम खोदो उजित कल फाम रात खोदो से, उजित फाम खोदो कल रात से, उजित कल चोरियों के शाम में वेशिकी, वेशिकी कहते हैं कंपनी की जो दावत होती है, इसो सो में मौजूद, कंपनी की दावत में मौजूद है, सूरज चिराग छोम थोरी माशसुरु पी थी, या कल रात से, कल रात को कंपनी की दावत में मौजूद
शराब थोड़ी पी थी। यक्षा कह रहा है आ सुल शराब तेमुरे की वजह से खुरुन गुद कन्यों, मेरा ख्याल है या मुझे लगता है फावल चावल मोगनन उए खाने के बाद में ई ये याकल दवाई तीसियो लीजिए। ये फारू कह रहे ने जी खमसा हमीदा शुक्रिया, हविश कंपनी की दावत ओवी वकैबरी लफज इसमें शिंचे जिसम के हिस्सों के नाम मोरी सर नुन आँख खो नाक इप मुंह बुलबुल चेहरा खदी कान ओके कंधा फल बाजू सुन हाथ मुंह जिसम फे पेट पूरी कमर सुन मुख कलाई सुन कर हाथ की उंगलियां थारी टांग मूरत घुटने फल को टकना फल पाओ अनियम हुए ग्रामर है इसमें मुन्नो कहते हैं ग्रामर को अनियम हुए ग्रामर है इसका मतलब है बाद में एक काम के बाद जब दूसरा काम किया जाए तो ये उस जगह इस्तेमाल होगी। बस जैसे कहते हैं पानी पीने के बाद खाना खाओ, ठीक है, काम करने के बाद छुट्टी करनी है, ठीक है, एक काम के बाद जब दूसरा काम किया जाए तो ये वहां इस्तेमाल होगी, ठीक है। जैसे खाना खाने के बाद काम पर जाना है, ये बाद में कुछ होते हैं, ये ग्रामर इस्तेमाल होगी वर्ब के साथ, ये ग्रामर वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे, किसी भी वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे। यह मैं कह रहा है रियल पश्चिम तिलते, अगर रियल पश्चिम में आए तो अनियम हुए ग्रामर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज़ है मन दल दा बनाना, मन दल दा बनाना इसका मतलब है ये एक वर्ब है, ठीक है। अब ये ग्रामर जब इस्तेमाल करेंगे मन दल दूंगे, ये रियल की जगह जो है ना ये नियम लगा देंगे और वो एक ग्रामर साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कह रहा है ये रियल को ख़त्म कर देना है, जब भी रियल आएगा हमारे पास वर्ब के दाब को हटा के अगर पीछे रियल रह जाता है तो रियल को ख़त्म करके हमने रियल लगा देना है ये ग्रामर में। और इस तरह की मन दल हो के बाद में, ठीक है, इसके बाद रियल और अल छेवे हाथ कहते हैं रियल और अल के अलावा पश्चिम पश्चिम इसलते आते वक्त कह रहे हैं रियल और अल के अलावा अगर कोई भी पश्चिम आ जाए तो अल हुए ग्रामर इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर एक पे गा कह रहा है ई यादक ये दवाई पहुंचे कब मोगो याद रे हो खाना ठीक है ना कह फावल चावल मोगनन हुए खाने के बाद। यहाँ पे हमारे पास पश्चिम में था गियक दाव को हटा के पश्चिम में बैठा था गियक, इसलिए हमने ये ग्रामर इस्तेमाल की थी नान हुए मोगनन हुए खाने के बाद तीसियो लीजिए खाइए। नंबर दो पे गा कह रहा है उनल आज थिवेकन हागो छुट्टी करके मुंह क्या देव करे ना कह रहा है इरी काम खतनन हुए खत्म करने के बाद खतनन नन ठीक है हुए बाद योंगवा मूवी फोरो खल को मूवी देखने जाए
नंबर तीन पे गा है ना उनिकाशी उरी छोंसू उरी हाम छोंसू हाल कायो सफाई करे ना गहने जी छेका मैं पागल कमरा सन हुए चालू देने के बाद सुल गुजीरल हाल कोयो बर्तन साफ करूंगा यूसुफ कहते हैं प्रैक्टिस को यहाँ पे कह रहा है नंबर एक क्रीमल तस्वीर में माजना दुरुस्त फ्यूनल साइन बोर्ड तस्वीर में जो दुरुस्त साइन बोर्ड है वो भी मिसाल ऐसो मिसाल की तरह खुला लफ्ज नोस्टो रखे तस्वीर मिसाल में से तस्वीर की तरह का जो लफ्ज है वो रखे खाली जगह में जैसे यहाँ पे नंबर एक पे कह रहा है किस चीज को शो कर रहा है मोरी मोरी सर को कहते हैं आगे यहाँ पे नंबर दो पे आंख नून आंख कहते हैं नंबर तीन पे कह रहा है खूब कहते हैं नाक को इस तरह नंबर चार पे कह रहा है ख्वी कहते हैं कान को इस तरह आपने ये सारे लफ्ज पहले याद कर लेने हैं फिर आपके खुद ही इसको बोल करना है ठीक हो गया आगे इसने यहाँ पे कहा कि ना ऊपर ऊपर क्रिमिनल तस्वीर वो भी उसको देखकर कहना ऊपर तस्वीर को देखकर वो भी मिसाल मिसाल में जो तस्वीर दी गई उसको देख कर या ये बात करके कोसे वो देखे कहना मिसाल में जो तस्वीर दी गई है ये होगी इसमें जो ये तस्वीर देगी इसको देख कर बात करके देखे जैसे यहाँ पे नंबर एक होगी मिसाल होगी कहते मिसाल को यकसा फार्मासिस्ट कह रहा है उदी का अफासी हो कहाँ तकलीफ है होंजा कहते हैं मरीज को जो मरीज होता है पेशेंट मरीज क्या मोरी का सर में अफाई और सर में तकलीफ है इस तरह नंबर तीन पे कह रहे हैं थेवा ए बातचीत में माजन दुरुस्त थलावल जवाब कुर्सी और तलाश करें बातचीत करें और दुरुस्त जवाब तलाश करें जैसे नंबर एक पे इसने कहा शॉपिंग हादा शॉपिंग करके योगवर कोदा मूवी देखनी शॉपिंग करनी है फिर मूवी देखनी है पहले उसने शॉपिंग की उसके बाद मूवी देखी यहाँ पे कहा गया है पूरी हम छुमारे वीकेंड छुट्टी वाले दिन वो क्या हल कर क्या करें ना यहाँ पे कह रहा नंबर एक पे शॉपिंग हार हुए करने के बाद योगवर कोदा मूवी देखी नंबर दो पे कह रहा योगवल खून हुए योगवल खून हुए मूवी देखने के बाद शॉपिंग हेव शॉपिंग करे जवाब हमारा आएगा नंबर एक इसको देख के हमने यहाँ पे नंबर एक जवाब लगाया आई नंबर दो पे कह रहा मोकल फावल चावल मुकदम चावल खाने हैं आगे यागल मुकदम दवाई खाने पहले चावल खाए हैं फिर दवाई खाई यहाँ पे कहा गया है ई ये यागर दवाई उत्तो के कैसे वो बोलो डिलेवर कैसे खाना ठीक है ना क्या कहेगा फावल मोगलन हुए चावल खाने के बाद किशोरी ही ठीक है नंबर दो में कह रहा है यागर मोगलन हुए दवाई खाने के बाद फावल थी सुन चावल लीजिए नंबर एक के पे हमारा जवाब आएगा चावल खाने के बाद दवाई लीजिए नंबर दो थेवा है डायलॉग बातचीत यक्सा फार्मासिस्ट यार ओदीगा कहाँ फूल क्यों ना सो कहाँ तकलीफ है मुनिका ओनर ओनर आज अच्छी हो दो सुबह से ठेगा पेट में आपको तकलीफ है और सुलसार हीरो और बहाने कर रहा कर आ रहे हैं
यकसा फार्मर्स अच्छी सुबह में बोल थे शुसु सुबह क्या खाया था मुनिक पाम डबरोटी हागो और उयुरल दूध मोकत नंदे खाया था उयु दूध माशी मजा चों थोड़ा ईसन के सोयो थोड़ा मुख्तलिफ था थोड़ा चेंज था यक्सा क्रोम फिर ई ये यागल दवाई थीसियो लीजिए फिर ये दवाई लीजिए क्रिगो और ओनर आज यू चे उमन दूध की बनी हुई चीज़ें वो चीज़ें जो दूध से बनाई जाए दूध से तैयार की जाए मुख जी मास्यो मत खाइए मुख जी मास्यो मत खाइए मुनिका ने जी अलगिस्मिता ठीक है उयु चेपो दूध की बनी हुई चीजें उवी लफज है छांगसा सिंटम बीमारियों की अलामत होती है उसमें खमकिए खुलीदा नजला जकाम शुरी नादा बुखार खिचिमन हादा खांसी करना खुद मुरी नादा नाक से पानी बहना फेदर फेदरी नादा पेट में दर्द होना सुलसर हादा पकाने करना सोहवा का आन पीना बदहजमी थोहादा उल्टी करना सुनल फेदा कट लगना सुनल तेदा जल जाना फावल पीदा हाथ जल जाना सुनल फेदा हाथ पर कट लगना सुनल तेदा हाथ जल जाना फल मुगल पीदा पाँव में मोच आ जाना थारी टांग फोरो चीदा टूट जाना टांग टूट जाना मुनम ग्रामर है इसमें जी मासेओ मत कीजिए ये ग्रामर इसका मतलब है मत कीजिए कोई भी काम जिसको कहते हैं ना कीजिए मत कीजिए ये वहाँ इस्तेमाल होगी ये ग्रामर वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होगी जैसे यहाँ पे नंबर एक पे गा कह रहा है यूरी मानी ना निका यूरी बुखार मानी ज्यादा ना निका वजह को बयान करता है ये भी ग्रामर है ये जो है ये निका वजह को बयान करती है बुखार ज्यादा होने की वजह से उन्द्र आज फाक के बाहर ना गाजी मास्यो मत जाइए ना गाजी मास्यो मत जाइए ना गह ने आल के समीदा ठीक है नंबर दो पे गा कह रहा है सोवा का बद हजमी आंद्रिगो बद हजमी है खेसु लगातार थोहे और लगातार उल्टियां कर रहा हूं बद हजमी है और लगातार उल्टियां कर रहा हूं आगे ना कह रहा है ई ये यागल दवाई तीसियो लेगी ये दवाई लीजिए क्रिगो और उन्नरन आज फावल चावल मुखजी मास्यो मत खाइए ये दवाई लीजिए और आज चावल ना खाइए यूनसफ ट्रैक्टर्स को कहते हैं यहाँ पे कहना है क्रिमल तस्वीर फोगो देख कर अल माने दोस्त मरल बात यूंगो मलाएं तस्वीर को देख कर दुरुस्त बात के साथ मलाएं या आपने खुद ही मिलाना है तस्वीर को देख के यहाँ पे क्या हुआ है हाथ चल गया है यहाँ पे जैसे नियन आएगा नंबर एक का जवाब है ये इसको नंबर एक को नियन को मिलाएंगे सुनल तेदा हाथ चल गया है
इस तरह आगे आपने ये सारे मिलाने हैं होंगे। आगे नंबर दो कह रहे हैं ठीवान पाची टाइम इनको पढ़कर मजन दुरुस्त ठंडा पर जवाब खुर्सी और क्लास करें कि तय बातचीत को पार करें दुरुस्त जवाब क्लास करें। नंबर एक पे लिखा है गा फल मुगल पी उसे पाव में मोच आ गई है डैश। नंबर एक पे कह रहा है मानी ज्यादा खुद जी मास्यो पैदल मत जाए मानी ज्यादा खुद कहते हैं पैदल चलना वाह पैदल वाह ठीक है जी मास्यो मत की ही ज्यादा पैदल वाह मत की ही। नंबर दो पे कह रहा है फावल चावल मुख जी मास्यो चावल मत खाइए पाओ में मोच आ गई है तो पैदल ज्यादा नहीं चलना चाहिए। नंबर एक हमारा जवाब है इस तरह। नंबर दो पे कह रहा है यूरी बहार ना वो बहार है और खुद मुई नाक से पानी बहना मानी ना जो ज्यादा आ रहा है बहार है और नाक से पानी ज्यादा आ रहा है ना क्या कहेगा। नंबर एक पे कह रहा है उनर आज फाक के बाहर ना गाजी मासूम मत जाइए। नंबर दो पे कह रहा है उनर आज चिचीमल हाजी मास्यो आज खांसी मत कीजिए जवाब आएगा हमारा नंबर एक उनर उनर आज फाक के ना गाजी मासूम मत जाइए बहार है और बाहर से पानी ज्यादा बह रहा है तो आज बाहर ना जाइए। इस तरह कहने हवाल को कहते हैं एक्सरसाइज याकूब एसो मेडिकल स्टोर से होगी मसाल चूरम की तरह कहना मेडिकल स्टोर में होगी मसाल की तरह होगी मसाल चूरम की तरह इया की ये बात करके उसे देखे कहना मेडिकल स्टोर पर मिसाल की तरह आपने बात करके देखी है जैसे मिसाल में बात की गई इस तरह आपने मेडिकल स्टोर पर जाके बात करनी जैसे होगी मिसाल में से बताया यूरी मानी ना जो बाहर ज्यादा है फाक के बाहर ना खादा बाहर जाना ना खादा बाहर जाना। हवंजा मरीज मरीज को कहते हैं यूरी मानी ना जो बाहर ज्यादा है यक्सा फार्मर्स फावल मोगलन हुए चावल खाने के बाद में ई ये यकल दवाई टीसीओ लीजिए फ्रिगो और उधर आज फाक के बाहर नागाजी मासूम मत जाइए। इस तरह आपने ये सारे जुमले बनाने हैं। चौंक को कहते हैं मालूम खाजो फी सब या फर्स्ट एड मेडिसिन फर्स्ट एड दवाइयां होती है। फोंगते कहते हैं कलम पट्टी योगो ट्यूब फस कहते हैं प्लस्तर फैंत कहते हैं सनी प्लस जो पट्टी होती है छोटी पट्टी पांचांगो कहते हैं श्रावों वाली जो पट्टी होती है उसको सोन दो पियांग कहते हैं स्प्रिट को आन या कहते हैं आई ड्रॉप योंग या छे न्यूट्रिशनल टैबलेट गोलियां इलिया टैबलेट गोलियां यागोगी मेडिकल स्टोर मुनल दरवाजा थदम्यम अगर भागो नजर तेल फा रा इना या खोयो इरिये पोडीडे चुटिया खप जागी अचार यागर दवाए सा या आनंदे सा या आनंदे खरीदे कर खरीदनी है यागोगी मेडिकल स्टोर मुनल दरवाजा थत सोम्यो अगर बात हो क्योंनी जो डिपार्टमेंट स्टोर एसो से दो तीन
खालू पी सा या गल फर्स्ट एड मेडिसिन साल सो इस समीदा खरीद सकते हैं फ्यूनी जो इन डिपार्टमेंट स्टोर से खम की या जुकाम की दवाई सो वे सो वाचे बद हस्मी की फिन थोम छे सूजन की हे जो छे बुखार की फस प्लस्टर योगो ट्यूब वा और कथन जैसी या ये दवाइयाँ इस समीदा मौजूद हैं खमकी या जुकाम की मेडिसिन सोहवा छे बद हसनी फिन तुम छे सूजन हे जुल छे बुखार इल्गी पढ़ना एक से तीन तक फिर गांव ने खाली जगह में द्रोखल दाखिल होने वाला खाजा सबसे अलमाने दोस्त कोसल लफल खुरुशिचियो तलाश करें नंबर एक में कह रहा है रिहानशी रिहान साहब उलगोरी चेहरा मानी ज्यादा और नहीं छुआयो अच्छा खाली जगह में कह रहा डैश ए खुलियो सो जुकाम मुख करा दो भी आप तकलीफ गो और युद्ध पहाड़ दो भी नायो है या नंबर एक में इसमें क्या खुद भूल नाक से पानी बहना चिचिम कहते हैं खांसी को खमकी नजला खुलियो जुकाम यहाँ पे खमकी ये खुलियो सो नजला और जुकाम है फिर तक पेट में तकलीफ नंबर दो पे कह रहा है का खाली जगह हमारा जवाब है नंबर तीन यहाँ पर का कह रहा है रिहान शी छे का मैं रिहान साहब मैं सुनल हार फिर उतरन दे मेरा हाथ पे कट लग गया है पोषित हो सकता है डैश इसमें मौजूद है नंबर एक फास प्लस्तर योगो ट्यूब नंबर तीन कह रहे सोवा छे बदहजमी हे जुल छे बुखार की यहाँ पे कहेगा योगो ट्यूब इसमें मौजूद है नंबर हमारा दो जवाब आएगा योगो ट्यूब नंबर तीन पे कह रहे हैं नंबर सॉरी ना कह रहा ने जी चक्कर मार थोड़ा खिदारे से इंतजार करें थोड़ा इंतजार करें यहाँ पे नंबर तीन पे गा डैश है ना कह रहा अच्छी सुबह पौधों से सुबह से केसु लगातार सुलसा डल पखाने एवं करना नंबर एक में नुगा अपायो कौन तकलीफ है तकलीफ में है नंबर दो पे कह रहा है उदी का अपा से कहाँ तकलीफ है नंबर तीन पे कह रहा है यागो की मैनेजर स्टोर उदी ये इस ओर कहाँ मौजूद है उदी कहाँ इस ओर मौजूद है नंबर चार पे कह रहा है ई यागर ये दवाई उतो के कैसे मोगो या लेव खाना ठीक है जवाब पर आएगा नंबर दो उदी का अपा से कहाँ तकलीफ है ये बताएगा अच्छे बोलो सुबह से के सुख लगातार सुलसर एवं खाने कर रहा हूँ नंबर चार और पांच है था आगे चिन्हों ने सवाल में था हा शिक्षियों जवाब तलाश करें आगे सवाल में जवाब तलाश करें ठीक है नंबर चार में से क्या खिम जी सू शीनन खिम जी सू साहब हारू ए हार ओल या कर दवाई म्यूत कितने गुण दफा मोगो या हमी का खाते हैं ने बुक या दवाई का शेड्यूल खिम जी सू निम इनकी दवाई है ये नाम है खिम जी सू निम नाम है योगो शेड्यूल
टाइम। हारो हार हो तीन सा तीन दफा। वी दो इल्म दो तरह की भाई है तीन दफा खानी है। में शिक हार में शिक हो हार खाने के समशिकुन तीस मिनट बाद वो योग योग। यहाँ पे इसने कहा था कि तीन दफा खानी है, ये एक दिन में तीन दफा दवाई खाता है और खाने के 30 मिनट बाद खाता है, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा था कितनी दफा खाता है, नंबर एक पे कह रहा हान हो एक दफा, नंबर दो पे धू हो दो दफा, नंबर तीन पे सेब हो तीन दफा, नंबर चार पे बेब हो चार दफा। जवाब हमारा आएगा नंबर तीन सेब हो तीन दफा। इस तरह नंबर पांच पे कह रहा है इल्म अर्द नियम व मालूमात कथन एक जैसी खोसल लफल कुरुशिफ्यू तलाश करें। लफल बात खोसल बात है, कुरुशिफ्यू तलाश करें। कहना पर कर ये मालूमात जो है एक जैसी स्टोरी में जो एक जैसी मालूमात है वो तलाश करनी है। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं थक जा अपने बॉस और मनिका। ये मनिका बॉस से मनिका बात कर रही है। ओनर आज नू बहुत अफा सो तकलीफ की वजह से वैसा एक कंपनी में मुद नहीं खमीदा जाना। आज बहुत तकलीफ की वजह से कंपनी नहीं जाना। पूजे कल छोनियो शाम पौधों से कल शाम से ठेगा पेट में अब वो तकलीफ है और खेसुक लगातार सुलसार ये सोयो खाने कर रही है। ओ जी कल याबु के सुख मेडिकल स्टोर से यागत दवाई सा खरीद कर मोगत नंदेव खाई थी आज तो अभी तक अपन तकलीफ है। ओनर ओनल आज अचिन इनन सुबह से सुबह में अचिन इनन सुबह में युल दो बहार भी नासों की वजह से उधर आज स्वीडियो को हियो स्वीडियो आराम हियो करना है। श्वेसु हमीना माजरत है। इस स्टोरी में इसने ये बताया है आज बहुत तकलीफ है कंपनी नहीं जाना। कल शाम से पेट में दर्द है और लगातार खाने कर रही हूँ। कल मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद कर खाई थी अभी तक तकलीफ है। आज सुबह से बुखार भी है आज आराम करना है माजरत है, ठीक है। इस तरह से बताया नंबर एक पे मुनिका शी है चिगम अभी आप जी आंसमिका तकलीफ में नहीं है, ये भी गलत हो गया। नंबर दो पे कह रहे मुनिका शी उन्हें आज हमेशा कंपनी में कल कुछ मिला जाना है, ये भी गलत है। नंबर तीन में कह रहा है मुनिका शी का मुनिका शी ने मुनिका साहब वो जी कल याबू के मेडिकल स्टोर बहुत खमीदा नहीं गई थी गई थी। ये नंबर चार मुनिका शी ने मुनिका वो जी कल चोरियों को दो शाम से आपका पेट में अपस समीदा तकलीफ है। यहाँ पे हमारा जवाब आएगा नंबर चार। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे या इससे आपको कोई फ़ायदा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आप देखेंगे। अगर फिर भी हमसे कोई लफ्ज रह गया या जिस चीज़ की आपको समझ में नहीं आई हमसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपको हर मुमकिन कोशिश करेंगे उसका जवाब दें। शुक्रिया।